नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 14 जुलाई गुरुवार के दिन से लग रहा है श्रावण महीना, भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना, भगवान भोलेनाथ से अमिट वरदान प्राप्त करने का महीना। जो शिव भक्त है पूरे महीने उपवास रखेंगे, व्रत करेंगे। कुछ लोग एक टाइम भोजन करके व्रत रखेंगे, कुछ लोग बिल्कुल बिना भोजन किए व्रत करते हैं। दोस्तों, सावन महीने की मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगी, किस तरह आपको करना है। सावन के 4 सोमवार और सावन के 16 सोमवार भी किए जाते हैं अलग अलग तरीके से, उसमें भी अलग अलग ढंग होता है, जिसकी शुरुआत सावन महीने के जो सावन का सोमवार आता है उसी दिन से शुरुआत हो जाती है और 4 महीना तक, क्योंकि आपको 16 सोमवार करने होते हैं, उसमें एक जो सोमवार आता है वो है साकरिया सोमवार। जो लोग ये सोमवार कर लेते हैं दोस्तों, ये इसको करने में कठिनाई बहुत पड़ती है, लेकिन यदि आपने कर लिया तो ऐसा कोई काम नहीं जो ना। इसकी शुरुआत भी श्रावण महीने में ही होती है, तो हम बम बम भोले भगवान शिव को प्रणाम करते हुए आज का आपको उपाय बताएं जो आपको श्रावण महीने में करना है। अभी से आप प्रिपेयर हो जाएं, कैसे आप कर पाएंगे इस उपाय को। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में रौनक आ जाएगी। एक सूखी हुई धरती जैसे बरसात के पानी से लहरा उठती है, कण कण में शिव का वास हो जाता है। दोस्तों, सावन के महीने में आप जो भी व्रत उपवास पूजा पाठ, क्योंकि सावन का पूरा महीना, जो शिव भक्त है वो तो शिव जी की पूजा करते ही है, लेकिन सावन का पूरा महीना दोस्तों व्रत से उपवास से त्योहारों से भरा हुआ है, तो ये महीना बहुत ही शुद्ध और बहुत पवित्र है। यदि आप और कोई भी काम ना कर पाए तो किसी भी चीज का आप त्याग कर दें सावन भर। जैसे कि कोई सब्जी आपको बहुत प्रिय है, आप उस सब्जी का त्याग करें सावन के महीने में। पहले दिन ही आप उस सब्जी को लेकर के शिवालय में चले जाएं, भगवान शिव के आगे रख दें और जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा बोलते हुए आप उस सब्जी को मंदिर में ले जाकर के रख दें और वहां पर आप भगवान शिव से कहें कि पूरा महीना मैं इस सब्जी का त्याग करती हूँ। या फिर कोई भी फल जो आपको बहुत प्रिय है, आप उस फल को लेकर के जाएं सावन महीना के पहले ही दिन, भगवान शिव को अर्पित करें और अपनी इच्छा बोलें और वहां आप प्रण लें कि पूरा महीना आप ये फल नहीं खाएंगे। बहुत बड़ा कोई संकट है श्रावण महीने में दोस्तों, नियम ले, आप चप्पलों का त्याग करेंगे, पूरा महीना बिना चप्पल के रहेंगे। श्रावण महीना पूरा होने के बाद किसी भी गरीब व्यक्ति को आप पहले चप्पल पहनाएंगे, उसके बाद ही आप खुद चप्पल पहनेंगे। फल और सब्जी में भी आपको यही करना है, ग्रहण करने से पहले किसी भी व्यक्ति को आप उस चीज का दान करेंगे जिस चीज का आपने त्याग किया है। जिस भी चीज का आपने त्याग किया है उस चीज को आप पहले दान करेंगे, उसके बाद ही सावन के बाद आप उस चीज को ग्रहण करेंगे। ये छोटा सा उपाय दोस्तों आपके जीवन में उन तमाम चीजों की पूर्ति करेगा जो आप चाहते हैं। व्यक्ति की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है श्रावण महीने में अमुक अमुक अपनी प्रिय चीजों का दान करके, उस चीजों का संकल्प करके। आप जो भी जितना भी कर सकते हैं शिव जी के नाम पर जरूर इस महीने आप दान पुण्य करें, भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं, गाय को चारा देना दोस्तों बहुत बड़ा काम है। सावन महीने में गाय माता को यदि आप चारा खिलाते हैं, हमेशा हमेशा भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। जो ब्लॉग चैनल मेरी देख रहे हैं जरूर देखना, ऐसे हम भले ही कह दे, जैसे हमने चारे वाले को कह दिया कि हम पहुंच पाए ना पहुंच पाए, आप रोज गाय को चारा दे दी, लेकिन आप ब्लॉग चैनल पर देखना मेरी, सावन महीने में मैं खुद जाकर के पूरा महीना
गाय को चारा जरूर खिलाते हैं, बहुत पुण्य का काम है। आपकी दबी हुई कैसी भी इच्छा हो बहुत जल्दी पूरी होगी। और सावन भर दोस्तों गाय माता को, गाय माता के सिर पर तिलक करके उनकी पूंछ पर जल जरूर चढ़ाएं। और यदि जल में यदि गंगा जल भी आप मिक्स कर लेते हैं तो 33 कोटि देवताओं की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो इस महीने ये छोटा सा काम जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर, सभी को एडवांस में सावन महीना की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।